मार रहा। मिट्टी देखो भाई, दूसरे के हाई में भाग जा दे रहा टीलर को। जय हिंद जय भारत दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं नई वीडियो। महिंद्रा 575 पे टर्बो लगी हुई का वीडियो बनाएंगे और इसकी परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे टेल रो पे। तो भाई अगर हम टर्बो की बात करें तो होल सेट की टर्बो है और भाइयों ने सब कुछ फिटिंग वगैरह घर पे ही करी हुई है। ये पाइप वगैरह भी, तो भाई जो ये टर्बो ट्रैक्टर है ये तैयार किया गया था टोचनों के लिए, टोचन में लिए तैयार किया गया था। और जो टर्बो वगैरह है वह सारी कुछ भाइयों ने घर पे ही लगा दी। होल सेट की नवी टर्बो है और जो ये भी पाइप वगैरह भी है, मिस्त्री के पास जाते तो कंपनी फिटेड लगाते हैं लेकिन इन्होंने भाइयों ने घर पे ही जुगाड़ करके लगा दिया। और अगर इसके बात करें पिछले टायरों की तो 16/9/28 के पिछले टायर है, वेट वूट रख रखा भाई, टायरों में पानी भी है। तो भाई जिस भाई ने ये टर्बो लगाई है उनसे भी बात करवाएंगे कैसे कैसे उन्होंने लगाई है। और जैसे ये टोचनों में लेके गए थे तो इन्हें क्या भरोसा था अपनी कारीगरी पे, वो भी पता चलेगा। तो हमारे जसप्रीत भाई है, उन्होंने लगाई है, पूछेंगे इनसे कि कैसे कैसे टर्बो लगाई है। तो हाँ भैया ही लगते हैं मेरे, तो भैया कैसे कैसे लगा दी टर्बो ये घर पे ही, जैसे तुम टोचनों पे लेके जा रहे थे तो तुम्हें कुछ ऐसा नहीं लगा कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए? भाई ये 575 है थोड़ा ना, ये 45 HP का ट्रैक्टर है। हाँ जी, ये टोचन में बड़े टायर डाल के जब इनकी ग्रिप बनी हो हाँ तो ये ना गियर नहीं उठा पाता बड़ा। हाँ जी, तो इस वजह से मुझे टर्बो लगानी पड़ी इसमें। पहले तो इसका हमने पंप अपग्रेड करा, पंप अपग्रेड करने के बाद में इसके बाल बदले हैं हमने, 585 के डाले हैं बाल इसके। अच्छा जी, टर्बो लेके आया हूँ मैं हाई एंड वालों के, पंजाब बहुत फेमस है वे, यूट्यूब चैनल भी है उनका, उनसे लेके आए थे टर्बो और घर पे लगाई है भाई। ये पाइप वाइप खुद ही बना के लगाए हैं, जो इसकी मुगलैल देने की सप्लाई थी वो यहाँ से ले ली हमने, महिंद्रा में यहाँ पे सुराख होता है। हाँ जी, तो हमें टोचन पे जाने की जल्दी थी इसीलिए कि हम इसमें सुराख नहीं करवा पाए अलग से वापसी का गिरने के लिए, तो वापसी का हमने RPM वाला मीटर में गिर दिया उसके आउटर काट के। अच्छा जी, तो उसमें ही हमने ये डाल दिया वापसी मुगलैल, क्यों हमारे पास टाइम कम था। तो भाई देखो भाइयों ने कितना दिमाग लगा, जो RPM वाला आउटर होता है तो उसी में मुगलैल जो वापसी वाला टर्बो में से निकलेगा तो उसी में ही डाल दिया, कौन इतने झंझट करे। ये ट्यून टर्बो है भैया, ये होल सेट की टर्बो थी, इसे ट्यून करा गया उससे बाद में। अच्छा जी, तो इधर तो ये 20 नंबर की पंखी है इसमें। अच्छा, महिंद्रा पे 20 नंबर ही काम करती है। अच्छा हाँ जी, कि इसका इतना प्रेशर नहीं होता, क्योंकि 3 सिलेंडर का ज्यादा प्रेशर रहता है। इधर 35 नंबर लगाई गई है। अच्छा जी, ये 20R35 की अपग्रेड टर्बो है, हाई एंड वालों ने करके दी है। तो और भाई आज कहाँ पे चला के दिखाओगे आप हमें इसकी परफॉर्मेंस? वैसे वहाँ टोचनों में क्या परफॉर्मेंस रही है इसकी? अच्छी रही है भाई, इतनी उम्मीद नहीं थी जितना उम्मीद से खरा रहा। चलो बढ़िया है। तो वहाँ भाई ये टोचनों के लिए भी गए थे, कमेटी ने थोड़ी दिक्कत करी, जो इस ट्रैक्टर के साथ इसका टोचन हुआ सेमीफाइनल में उसमें ओवरवेट ज़्यादा था, 5-6 क्विंटल के करीब ओवरवेट ये भैया ज़्यादा बता रहे हैं। और वो कंटा करवाने से भी मुकर गए, मना कर रहे थे कि कंटा नहीं करवाएंगे। साहिल मलिक ने वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पे, हाँ उस पूरे टूर्नामेंट की। तो भाई आपको एक बार ट्रैक्टर पूरा दिखा देता हूँ, 16/9/28 के टायर हैं भाई, वेट वूट इन्होंने अभी उतरवाया, मैंने आके मगा भाई मुझे चला के दिखाओ टेलर ऑफिस की परफॉर्मेंस। और टेलर भी भाई फाड़े तो खैर घिसे हुए ही हैं लेकिन देखेंगे क्या परफॉर्मेंस रहती है। और फिर इन्होंने टर्बो भी उतारनी थी, कह रहे थे कि नहीं तो इंजन फाड़ देगी भाई ट्रैक्टर का अगर ज़्यादा जोर लगावेंगे तो। भाई आगे से भी लुक देख लो आप, तो एक बार आवाज सुनवा दो भाई। आवाज देखो भाई, पूरा रटा के मार रहा। अब टेलरों पे परफॉर्मेंस देखेंगे भाई।
पहले के हाई में है भाई ट्रैक्टर। भाई पहले के हाई में ट्रैक्टर है। और टेलर देखो आप कितने लग रहे हैं, स्लिपेज तो खैर होने की। और अगर तुम्हें टर्बो की आवाज देखो, अब आपको एक बेरी लीवर दिखाते हैं दोस्तों, लीवर देखो पूरे डाउन है भाई। और कोई आगे भाई ने हाथ पूरे ऊपर ही कर रखे हैं। अब चौथे के लो में है भाई, टर्बो की आवाज अभी भाई हैरो पे वीडियो बनाने लगे थे, वो हैरो इसने थी तोड़, हैरो थी छोटी। तो भाई कह रहे हैं भाई, ये भाई कह रहे हैं मैं ऊपर खड़ा होकर एक चक्कर और डलवाऊंगा, एक चक्कर और दे दो भैया। और ये डंडा भी छोटा कर रखा है टॉप लिंक का, बड़ा नहीं कर रखा और लोगों की तरह। तो भाई चलो एक चक्कर ऊपर खड़े होके भी। भाई ऊपर खड़े होके तो और धुआं देखो आप, बहुत कम धुआं है भाई, टीला देख लो। तो क्या परफॉर्मेंस रही भाई ट्रैक्टर की? भाई बढ़िया, इसकी तो चार घिसे हुए हैं। ये देखो भाई दूसरे गियर में, दूसरे आई में है भाई। दूसरे के हाई में भाग जा दे रहा टीलर को। हाँ भैया क्या बोलना चाह रहे थे आप? भाई परफॉर्मेंस आपके सामने है, टायरों में पानी है फिर भी दूसरे का हाइट में भागा फिर रहा। हाँ बट टायर थोड़े घिसे हुए करके स्लिपेज ज्यादा है। तो भाई अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक कर दियो और चैनल को कर दियो सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।